तो आ गए तुम लोग, जल्दी बताओ बच्चा कहाँ है, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा यहाँ। इसका मतलब इन्हें अभी तक बच्चा नहीं मिला? देखो तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। हा? लेकिन वो सौदा याद है ना जो हम दोनों के बीच में हुआ था? हाँ याद है याद है। पहले मुझे बच्चा दो, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। डन। प्रीतम प्यारे, तुम लोगों को शर्म नहीं आती मेरा सौदा करते हुए? अपने जीजाजी का सौदा करोगे? मर के मैं भूत बनूंगा और हर रोज आकर 10-10 जूते मारूंगा तुम दोनों को। ए महामोटे, क्या है पागल हो गया क्या? चिल्ला मत। हाँ। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हमें बस हमारा बच्चा मिल जाए, हम चले जाएंगे। ये किस बच्चे की बात कर रहा है ये? अरे जीजा जी, मुझे लगा कि बच्चा मैं हूँ और मुझे तुम लोग इन्हें सौंपने जा रहे हो। जीजा जी, आपने हमारे हमारे बारे में ऐसा सोचा? जानू, मेरे भाई कभी नहीं दे सकते हैं आपको धोखा। अरे डार्लिंग, ये शायरी मानने का नहीं है मौका। वाह जानू, मार डाला। ये लोग मार डालेंगे। ए बस, बहुत हो गया तुम्हारा फैमिली ड्रामा। जल्दी से बताओ मेरा भांजा कहाँ है, वरना बहुत बुरा हश्र करूंगा तुम लोगों का। अरे दे दो ना भाई इसे, इसका बच्चा। ए चश्मा नीचे, मैं अपने भांजे के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम मुझे चश्मा लगा कर क्या दिखा रहे हो? आपके भांजे को हमने अदृश्य कर दिया था, ये चश्मा लगाएंगे तो हम बता देंगे वो कहाँ है। अरे हट, मैं अपनी शक्ति के प्रभाव से अपने भांजे को विजिबल कर सकता हूँ, और अगर वो यहाँ नहीं हुआ ना तो तुम लोगों को इनविजिबल कर दूंगा। भांजे, बच्चा। हाँ जानू बच्चा। मैं बच्चा। भांजे आंखें खोल, देख तेरा मामा आया है। उठ जा भांजे, आंखें खोल। मामा। हाँ आजा बेटा। भांजा मेरा भांजा। दीदी ये भूत बोला है? बिल्कुल जानू की तरह है ना। अरे नहीं नहीं, इसका नाम भूत भोला है। ओ, भूत भोला कैसे हो सकता? भूतरीना, इस पूरे परिवार का ऊपर का टिकट कटा दो। अरे वाह, इनकी ट्रैवल एजेंसी भी है, मेरे लिए बीच वाला बर्थ है। ए! नहीं! तरकाश वाला जी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज, हमें छोड़ दीजिए। हाँ मामा, इन्होंने मुझे आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, पानी पूरी खिलाया और मेरा बहुत ख्याल रखा। मामा जी, ये लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे भाई, तुम्हारे भाई। ठीक है भांजे, तेरे कहने पर छोड़ देता हूँ। प्रॉमिस। थैंक यू तरकाश वाला जी। भूतरीना, तुम भांजे को हवेली पहुंचा दो। जाएगा ना बेटा, जाओ। हमें याद रखना, भूलना नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा असली रंग क्या है। हाँ मुझे लगा ही था ये नकली रंग है, तभी मैं सोचूं कि भूत लाल रंग का कैसे हो सकता है, सारे भूत तो सफेद रंग के होते हैं। ये देखिए भूतरीना जी को देखिए, खुशकी को देखिए, है? है ना? अब मैं अपने हाथों से तुम्हें ऊपर भेजूंगा। अरे सो स्वीट ऑफ यू, लेकिन तरकाशुला जी हम अपने पैरों से अपने बेडरूम तक चले जाएंगे। आग लग जाएगी का? हाँ आग लग जाएगी। इसका मतलब ये
चीटिंग करने वाले हैं। नहीं नहीं, आपने हमें प्रॉमिस किया था कि आप हमें छोड़ दोगे, आप हमें कुछ नहीं करोगे। प्रॉमिस तोड़ना हम भूतों की सुहानी आदत है। सुहानी आदत है? सुहानी? ऐसे पहले कभी सुहानी सुना नहीं। अरे नहीं, वो क्या होती है? सुहानी आदत नहीं, वो जो बोलते, क्या बोलते हैं उसको? सुनामी आदत नहीं, वो क्या होती है? पुरानी आदत है। करेक्ट, पुरानी आदत। प्रॉमिस तोड़ना हमारी पुरानी आदत है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक मिनट तड़का छोला जी, जाने से पहले हम आपको तड़का लगाना चाहते हैं। आपकी तारीफ करना चाहते हैं। ठीक है, 15 सेकंड्स हैं तुम्हारे पास। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तड़का छोला जी, आप महान हैं। आप जेंटलमैन हैं। हाँ हाँ हाँ, तड़का छोला जी, अरे आप दमालू हैं। नहीं नहीं, आप दयालु हैं। हाँ, दयालु हैं। ओ हाँ, वो तो हूँ। आप हो छोला? हाँ, और कभी है शबनम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये दृश्य पहले भी देखा है? याद आया, मैंने तड़का का भविष्य देखा था ग्लोब में। तड़का, भागो यहाँ से। नहीं भूतरीना, अभी थोड़ी तारीफ और सुन ली है। बोलो तो। ये लो। नहीं छोड़ेंगे जीजाजी। छोड़ दो, खत्म, छोड़ दो। शाबाश, शाबाश मेरे मिट्टी के शेर, शाबाश। उत्रीना, मुझे कंसंट्रेट करने दो ना प्लीज। ये क्या हुआ? पुत्रीना, मेरा ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। लगता है मैं दारा को इस प्रिंटर की कैश से नहीं निकाल सकता। फुस्की? बार्तोस्की। अरे ये फुस्की और ये मार्तोस्की। हाय मार्तोस्की, सॉरी इंसान मार्तोस्की। भूत फुस्की, अब हम यहाँ इंसान मार्तोस्की। आपने तो हमारी उम्मीदों को तार तार कर दिया। एक और तड़का छोला को वैक्यूम क्लीनर में बन दे तो दूसरी और दारा कोयला इस प्रिंटर में कह दे, अब हम भूतों का जिले इलाई कौन बनेगा? फुस्की, तुम अभी तक इस गेटअप में क्यों हो? प्रीतम पहले के आंखों में धूल झोंकने के लिए मोहतरमा, वो दोनों बाजार में हमें इस बेस में पहचान नहीं पाए, इसलिए अब हम इसी बेस में रहेंगे। ठीक है ठीक है, इंसान मार्तोस्की, दारा को इस प्रिंटर से बाहर निकलवाने का और कोई उपाय नहीं है? कोशिश कर रहा हूँ पुत्रीना, पर रिजल्ट मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक उपाय है, अगर कोई नए जमाने का टेक्नो से भूत मिल जाए तो वो दारा को इस प्रिंटर से आजाद करा सकता है। ये किसे जगा रही हो? नए जमाने के टेक्नोसेवी भूत को। इतने उल्टा वाला
बस रे कौन तमा का डिस्टर्ब करता कौन है वो अमा मोटर मा आप तो बोले थे नए जमाने का बूट है ये तो खड़ूट बुड्ढा लगता है ये मेरे अंकल पिंटो है कौन है वो माका अलवर पिंटो को जगा के खड़ूस बुड्ढा बोलता है अरे बुड्ढा होगा तेरा बाप बुड्ढा होगा तेरा अंकल बुड्ढा होगा तेरा आंटी मैन अभी हमको खड़ूस बुड्ढा बोलेगा तो हम तुम्हारा थोबड़ा फोड़ डालेगा मैन अंकल मैं भुत्रीना ओ भुत्रीना मैन अंकल ओ ओ मैन शांत हो जाइए इतना दिन के बाद तुमको हमारा याद आया लेकिन तुम है किधर दिखता नहीं मैन पहले चश्मे में से डस्ट तो हटाइए काफी डस्ट काफी नहीं डस्टबिन ग्लास अंकल भुत्रीना माय चाइल्ड कल्याण सकली सोन्याची ही पोर कोनाची कल्याण सकली सोन्याची ही पोर अब पिंटोची ओ सारी सिंटोची पिंटोची भुत्रीना कुछ काम की बात हो जाए अंकल स्वीटरीना कहाँ है स्वीटरीना इधर बगल के कॉफिन में मान स्वीटरीना माय चाइल्ड कम ऑन खड़े गए ना मदद छेड़ो जमीन में गया होगा स्वीटरीना माय चाइल्ड कम ऑन स्वीटरीना ओ माय गॉड ओ भुत्रीना माय चाइल्ड स्वीटरीना यहाँ नहीं है नो टेंशन नो टेंशन तुमको मालूम स्वीटरीना का वीक पॉइंट चॉकलेट मैन चॉकलेट वो गया होगा किसी चॉकलेट शॉप में लेकिन तुमको उसका क्या काम मैन बहुत जरूरी काम है जितना जल्दी हो सके स्वीटरीना को लेके आप यहाँ आ जाइए जल्द से जल्द मुंबई में मेरे पास सुबह तक मैं उसको लेके तुम्हारे पास आएगा डोंट वरी टेक केयर एंड गुड नाइट थैंक यू अंकल बाय बाय माय चाइल्ड टेक केयर कॉफिन कम ऑन मोटर मा ये दूसरी मोटर मा यानी स्वीटरीना यहाँ के क्या करेगी स्वीटरीना टेक्नो सेवी है उसे हर किस्म की मशीनों के बारे में जानकारी है मुझे पूरा यकीन है वो दारा को इस प्रिंटर से जरूर बाहर निकालेगी बस अब इंतजार है कल सुबह का प्रीतम प्यारे सो रहे हैं दोनों गधे घोड़े बेच कर सो रहे हैं और कह रहे थे कि दारा कोयला से आपकी रक्षा करेंगे अरे क्या रक्षा करोगे तुम लोग उठो ये लोग कहाँ गए कहाँ है ये लोग आइए आइए मर जाऊंगा अगर तुम लोगों ने ये घर को बंद नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा सॉरी जीजा जी वो दरअसल दारा कोयला से बचाने के लिए हमने अरे दारा कोयला से खतरनाक तो तुम लोग हो वो मारते मारेगा मुझे तुम लोग पहले मुझे मार दोगे जी अब हम ऐसा गैजेट बनाएंगे जो आपको बचाने और आपको नुकसान ना पहुंचाए अगर मुझे से नुकसान पहुंचाए तो नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को फुटबॉल बनाकर भटिंडा तक लात मारते मारते ले जाऊंगा नहीं जीजा जी ये इम्पॉसिबल है जीजा जी ऐसे पैर से भटिंडा तक ले जाने के लिए बहुत स्टैमिना चाहिए आप में नहीं है अच्छा अरे सच कह रहा हूँ अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को मेरा स्टैमिना दिखाता हूँ
दीदी को क्यों बुला रहे हो? दीदी को क्यों बुला रहे हो? मजाक कर रहा था। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, हाँ बहुत सारा काम है। ओके ओके। डरे इडियट जी, जी पहले दारा कोला से डरे हुए फिर तो और डरा रहा है। अरे मैं तो थोड़ा सा मजाक कर रहा था, सॉरी। और जीजा साली के बीच में इतना मजाक तो चलता है क्यों जीजा जी? जीजी मजाक था बेटा, जीजा और साली के बीच में थोड़ा मजाक तो चलता ही है। अरे मजाक था बेटा, ये भी मजाक ही था, जीजा और साले के बीच का मजाक। काम की बात सुनो, मेरा गोरेगांव का जो गोदाम है ना, वहां से एक मॉनिटर उठाकर लाना है। ये जी आपने गोदाम में मॉनिटर रखा है? आपको पता है मॉनिटर तो स्कूल में होता है। एक बार ना टीचर ने मुझे भी मॉनिटर बनाया था। ये मजाक नहीं है, मैं स्कूल वाले मॉनिटर की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं कंप्यूटर के साथ जो मॉनिटर लगता है ना उसकी बात कर रहा हूँ। फटाफट जाओ और ले आओ। ओके जी, आप हमारे टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज ये जी, फॉर गॉड सेक हमें कुछ बड़ा काम बताइए। बड़ा बड़ा काम? ठीक है तो जाओ और तारा कोयला को पकड़ कर ले आओ। ये हुई ना बात। जी जी कोई भी काम छोटा नहीं होता, आप हमेशा कहते हो हम छोटे से छोटा काम करेंगे और छोटा सा छोटा मॉनिटर उठाकर आपके सामने लाकर रख देंगे। अब जाओ और ले आओ। और सुनो मेरे सालों, मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, अपने हथियार साथ में ले जाना। क्या है कि मैंने अपने प्यून को वहां भेजा था, कुछ डरावनी आवाजें आ रही थी, वो डर के मारे भाग कर आ गया, मॉनिटर नहीं ले आया। इसका मतलब वहां भूत है? भूत है? हाँ शायद होगा, शायद यह होगा। जीजा जी आपने इतनी बड़ी बात हमें पहले बताई नहीं। अभी बताता हूँ। जानू मैं हो गई तैयार, चली निकाली हमारी कार। अरे मार डाला गुग्गी, मार डाला, ये बार बार शायरी का वार जो है। दीदी आप कहाँ जा रहे हो? अरे वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स थी ना रश्मि, वो यहाँ मुंबई में शिफ्ट हो गई है और यहाँ पे उसने एक चॉकलेट कैफे खोला है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं उससे मिलने। चॉकलेट कैफे? मेरे तो सुन के मुंह में पानी आ रहा है। दीदी हम भी आपके साथ चल रहे हैं। ठीक है ठीक है। नहीं एक मिनट यहाँ ना गुगी, मैंने जो काम दिया है वो पहले खत्म करो बेटा, नहीं तो मजाक में मैं तुम्हें इतनी चॉकलेट खिलाऊंगा कि तुम्हारा चेहरा जो है चॉकलेटी हो जाएगा। पेट भर गया, चलो डालो। चल जीजा जी का वर्क्स करना। हाँ देखा मजाक मजाक में क्या हो गया। आम होटल माफ करना, पर आपकी बहन और आपके चाचा जान अब तक तशरीफ क्यों नहीं लाए? वो लोग आते ही होंगे। हमारा मोटर माँ, लगता है वो लोग आ गए। दरवाजे पे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। इडियट फुसकी, इडियट फुसकी, वो लोग भूत है, दरवाजे से क्यों आएंगे? ये कोई इंसान आए हैं, छुप जाओ जल्दी से। ये प्रीतम प्यारे यहां क्या कर रहे हैं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.